तो भाई आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं टॉप 3 स्मार्टफोन अंडर 10,000। जो हम आपको स्मार्टफोन बताएंगे वो स्मार्टफोन अंडर 10,000 सबसे पावरफुल स्मार्टफोन होंगे। इन स्मार्टफोन्स में आपको 10,000 की कीमत के अंदर 6GB रैम, 128GB स्टोरेज, पावरफुल प्रोसेसर, बिग बैटरी एंड बिग डिस्प्ले मिलेगी। और आप इन स्मार्टफोन में किसी भी गेम को हाई ग्राफिक्स के साथ इजीली खेल सकते हो और आपको लैग की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं स्मार्टफोन्स के बारे में। हमारी इस लिस्ट में नंबर 3 पर आता है रियलमी का टॉप मोस्ट लेटेस्ट स्मार्टफोन रियलमी नार्जो 20। भाई इसमें कोई शक की बात नहीं है कि रियलमी नार्जो 10 सीरीज की सफलता के बाद अब रियलमी ने लॉन्च किया रियलमी नार्जो 20 सीरीज, जिसमें आपको कम दाम में जबरदस्त फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं रियलमी नार्जो 20 की स्पेक्स के बारे में। स्टार्ट करते हैं डिस्प्ले से। इसमें आपको 6.5 इंच की HD प्लस डिस्प्ले मिलती है, जिससे आप HD वीडियोज़ का मजा ले सकते हो। काफ़ी हाई क्वालिटीज़ की वीडियोज़ आप इस स्मार्टफोन में देख सकते हो। और सबसे खास बात, इसमें आपको कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन दी गई है, यानी कि काफ़ी ड्यूरेबल इसकी डिस्प्ले हो जाती है। एक तरह से कहे तो काफ़ी अच्छी डिस्प्ले पैकेज इस स्मार्टफोन में आपको दिया गया है। बैक साइड में ट्रिपल कैमरे का सेटअप दिया गया है। इसके बैक कैमरे में सोनी IMX के सेंसर यूज किए गए हैं, जिससे इसकी क्वालिटी को और बेहतर बनाया गया है और आप इससे अच्छी क्वालिटी इसके फोटोज़ क्लिक कर सकते हो। 5000 mAh की बैटरी मिलती है और उसके बॉक्स में ही आपको 10W का चार्जर मिलता है, जो मेरे हिसाब से यार थोड़ा बड़ा चार्जर होना चाहिए था, यानी कि 15 से 18W का चार्जर इसके बॉक्स में होना चाहिए था। बात करें परफॉर्मेंस की, तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन 665 का प्रोसेसर मिलता है, जो 11 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है और जिसको रियलमी की तरफ से रीबिल्ड करके तैयार किया गया है। इसमें आपको 3 स्लॉट मिलते हैं, यानी आप इसमें एक 2 SIM और एक अलग से microSD कार्ड यूज़ कर सकते हो। बैक साइड में रियर फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया और इसमें आपको 3.5mm का जैक भी मिलता है। बात करें रैम स्टोरेज की, तो इसमें आपको 4GB की रैम और 64GB का स्टोरेज मिलता है, जिसका प्राइस है 9,499 रुपये। भाई ओवरऑल देखें तो काफ़ी ज़बरदस्त फ़ोन है अंडर 10,000। काफ़ी ज़बरदस्त फीचर्स रियलमी की तरफ से इसमें प्रोवाइड किए गए हैं और काफ़ी लेटेस्ट फ़ोन है रियलमी की तरफ से। बट एक चीज़ मुझे इसकी अच्छी नहीं लगी, वो है इसके बैक साइड में ट्रिपल कैमरे का सेटअप। बट अगर आपको क्वाड कैमरे का सेटअप वाला स्मार्टफोन चाहिए तो वो ऑप्शन भी हमारे पास अवेलेबल है। क्वाड कैमरे की डिमांड आपका हमारी सेकंड नंबर का स्मार्टफोन पूरी करता है। तो बात कर लेते हैं सेकंड नंबर के स्मार्टफोन की। हमारी इस लिस्ट में सेकंड नंबर पर आता है Redmi 9 Prime। Redmi का अंडर 10,000 सबसे ज़बरदस्त स्मार्टफोन है। तो चलिए बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के स्पेक्स के बारे में। इसमें आपको 6.53 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलती है और इसकी डिस्प्ले में ही आपको कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन दी गई है। यार अंडर 10,000 इकलौता स्मार्टफोन है जिसमें आपको फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलती है, जिससे आप फुल HD प्लस वीडियोज़ का मजा ले सकते हो। और इसके बैक में आपको 13+8+5+2 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरे का सेटअप मिलता है और फ्रंट में आपको मिनी ड्रॉप नोच के साथ 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। भाई अंडर 10,000 सबसे ज़बरदस्त कैमरा क्वालिटी इस स्मार्टफोन में दी गई है और काफ़ी हाई क्वालिटीज़ के फोटोज़ आप इसके दोनों कैमरों से क्लिक कर सकते हो। 5020mAh की दमदार बैटरी मिलती है और इसके बॉक्स में ही आपको 10W का फास्ट चार्जर मिलता है। बट सबसे खास बात, ये 18W के फास्ट चार्जर को सपोर्ट करता है, तो आप अलग से यूज़ कर सकते हो। बात करें परफॉर्मेंस की, तो इसमें आपको हाई परफॉर्मेंस MediaTek Helio G80 का प्रोसेसर मिलता है, जो काफ़ी ज़बरदस्त प्रोसेसर है। एक तरह से कहे तो आप इसमें हाई लेवल की गेमिंग इजीली कर सकते हो। इसमें आपको फेस अनलॉक भी दिया गया है और बैक साइड में रियर फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलता है। इसमें आप 2 SIM और एक अलग से microSD कार्ड यूज़ कर सकते हो, जिसको आप 256GB तक एक्सपेंड कर सकते हो। बात करें रैम स्टोरेज की, तो इसमें आपको 4GB की रैम और 64GB का स्टोरेज मिलता है, जिसका प्राइस है 9,999 रुपये। कुछ साइट्स पर इसका प्राइस ज़्यादा दिया गया है, बट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप परचेज कर सकते हो। और इन सभी स्मार्टफोन के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब बात करें फर्स्ट नंबर के स्मार्टफोन की, तो भाई जो पहले नंबर का स्मार्टफोन है काफ़ी ज़बरदस्त स्मार्टफोन है और काफ़ी लेटेस्ट स्मार्टफोन है। ये स्मार्टफोन कल ही लॉन्च हुआ है। तो बात कर लेते हैं फर्स्ट नंबर के स्मार्टफोन की। हमारी इस लिस्ट में फर्स्ट नंबर पर आता है इन्फिनिक्स Hot 10। भाई अंडर 10,000 सबसे पावरफुल एंड बेस्ट स्मार्टफोन है। बात करें फ़ोन के स्पेक्स की, स्टार्ट करते हैं डिस्प्ले से। तो इसमें आपको 6.78 इंच की HD प्लस डिस्प्ले मिलती है, लगभग आपको 7 इंच की डिस्प्ले मिल जाएगी, यानी एक तरह से कहे तो काफ़ी बड़ी डिस्प्ले इसी स्मार्टफोन में आपको दी गई है और अंडर 10,000 सबसे बड़ी बड़ी डिस्प्ले इसी स्मार्टफोन में आपको मिलती है। यार अगर आपको एक बड़ी बैटरी और बड़ी डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन चाहिए तो ये स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट रहेगा। बात करें कैमरे की, तो इसके बैक में आपको क्वाड कैमरे का सेटअप मिलता है, जिसका प्राइमरी कैमरा 16 मेगापिक्सल का है, अल्ट्रा वाइड कैमरा 8 मेगापिक्सल का, डेप्थ कैमरा 2 मेगापिक्सल का एंड मैक्रो कैमरा भी 2 मेगापिक्सल का ही है। और इसके फ्रंट में आपको 8 मेगापिक्सल का इन डिस्प्ले पंच होल सेल्फी कैमरा मिलता है। भाई ये इकलौता फ़ोन है जिसमें आपको इन डिस्प्ले फ्रंट सेल्फी कैमरा दिया गया है और काफ़ी ज़बरदस्त डिज़ाइन इसका स्मार्टफोन का किया गया है। बात करें बैटरी की, तो इसमें आपको 5200mAh की बड़ी बैटरी मिलती है और सबसे खास बात, 18W का इसके बॉक्स में ही आपको फास्ट चार्जर दिया गया है।
बात करें परफॉर्मेंस की तो इसमें आपको मीडियाटेक G70 का प्रोसेसर दिया गया है यार, लगभग सेम परफॉर्मेंस है मीडियाटेक G70 एंड G80 की। बट यार थोड़ी ड्यूरेबिलिटी काफ़ी कम है रेडमी 9 प्राइम एंड रियलमी नार्जो 20A से। भाई ओवरऑल देखें तो काफ़ी ज़बरदस्त ही स्मार्टफोन है, बट थोड़ी ड्यूरेबिलिटी कम है, यानी कि आपको थोड़ी देख रेख ज़्यादा करनी पड़ेगी और स्मार्टफोन के मुकाबले। बट यार काफ़ी ज़बरदस्त ही स्मार्टफोन है। बात करें रैम स्टोरेज की तो इसमें आपको 6GB की रैम और 128GB का स्टोरेज मिलता है, और जिसका प्राइस है यार 9,999 रुपये। यानी कि यार ये फीचर आपको अंडर 10,000 किसी स्मार्टफोन में नहीं मिलेगी। यही वजह है जिस वजह से इस स्मार्टफोन को हमने नंबर 1 पर रखा है। दोस्तों ये थे टॉप 3 स्मार्टफोन अंडर 10,000। अब आप अपनी पसंद और बजट के अकॉर्डिंग किसी भी स्मार्टफोन को खरीद सकते हैं। भाई अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है आपको एक एक पॉइंट क्लियर करने की और सभी सच्चाई बताने की। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर दो लाइक और फटाफट से शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के जय हिंद, वंदे मातरम।